मौसम बदला, कैलेंडर बदला, साल बदल चुका और तो और कल का दिन गुजर के आज में तब्दील हो गया। लेकिन एक बात जो नहीं बदली वो है बिग बॉस सीजन 13 के घर वालों का एटीट्यूड। अरे ये तो अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में हम हैं जो इनके घुसे पुराने एटीट्यूड में नया एंगल घुसेड़ देते हैं, वरना यार इन लोगों ने हमें बोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पता है आपको हमारे पास क्या क्या नए एंगल्स हैं? सुनिए जरा ध्यान से। बग्गा ने जाते जाते शुक्ला की खोली पोल और एक स्ट्रैटेजी जो वो खुद शहनाज के खिलाफ यूज करने वाले हैं। आरती के भाई को कैसा लग रहा है उनका गेम और घर में बन रहे नए नए रिलेशनशिप और केमिस्ट्री, इस सब का राज हम लाए हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में आपने हमको ढेरों बधाई दी और गुड जॉब टेली अम्मा ये सब बोल के हमारा बढ़ावा एकदम हमको दे दिया है और इसी खुशी में हम आपको देना चाहते हैं शुभकामनाएं साल 2020 के पहले मंडे की। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, हेलो, हाय, ब्रो एंड सिस, हम हैं टेली अम्मा, टेली अम्मा, टेली अम्मा, ब्रम, आ देख टेलीविजन। बात चल रही है घर वालों के घिसे पिटे एंगल की, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सिद्धार्थ और शहनाज का रूठना और मनाना। सुनना सिद्धार्थ, हाँ, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? नाराज है मेरे से? सोने देना मुझे, ये सब हरकतें यहां मत करो। हाँ, मैं अब बोर हो गया हूँ इन सब हरकतों से। और तो मुझे भी हो रहा है, कब से मना रही हूँ, मान जाना सिद्धार्थ यार। देख यार, मैं बहुत बोर हो रही हूँ तेरे बिना, मुझे एंटरटेन करना। क्या है? देखो मैं अब तुम्हारी इन बातों से थक चुका हूँ, मुझे सोना है, मुझे रेस्ट करने दो। देखना सिद्धार्थ, तू मेरे से बात नहीं करता तो मेरे को कुछ अच्छा भी नहीं लगता। देख अब मैं फ्लिप नहीं मारूंगी, तेरे साथ ही रहूंगी। देखना मेरी तरफ, सिद्धार्थ। वैसे घर में इस अजीब जोड़ी के साथ साथ कुछ और भी अजीब जोड़ियां और केमिस्ट्री बनी हुई हैं, जैसे पारस और माहिरा की चंगू मंगू जोड़ी। जहां जाए चंगू, उसके पीछे पीछे चली मंगू। रश्मि और आसिम की गुरु चेले वाली जोड़ी, जैसे चढ़ाए गुरु देवी वैसे चले आसिम चेला। इसके साथ ही सिद्धार्थ और आरती की भगवान और भक्त वाली जोड़ी, चाहे माँ बाप की गाली ही क्यों ना दे दे मेरे प्रभु, मैं अपने स्वामी सिद्धार्थ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा वैसे आरती के गेम के बारे में उनके भैया कृष्णा अभिषेक का क्या कहना है? कृष्णा भैया बोलिए, आरती से कहां मिस्टेक हो रही है? तो कोई नहीं, ये तो सब इट्स अ गेम, पार्ट ऑफ द गेम, वो लोग सब गेम खेल रहे हैं। बट अच्छा है कि मुझे ऐसी कोई आरती की चीज़ नहीं लगी जिससे मैं लेट डाउन हूँ। वी हमारी पूरी फैमिली खुश है द वे शी इज प्लेइंग द गेम एंड शी इज बीइंग हरसेल्फ। वो ऐसी है, बार भी ऐसी है, मैनिपुलेटिव अगर है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभार मैनिपुलेशन भी काम करती है, कभी कभार हार्श होना भी काम करता है, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन। तो ह्यूमन जो है उसमें अलग अलग इमोशंस होते हैं जो निकलते रहते हैं, तो उसके भी निकल रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, और सिद्धार्थ शुक्ला जो बार बार गुस्से में आके सबको गाली देने लगते हैं, उसके बारे में क्या बोलिएगा कृष्णा भैया? वो तो गलत बात है ना, वो सिद्धार्थ को सोचना चाहिए, बिकॉज सिद्धार्थ को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बहन है, उसको सोचना चाहिए चीज़ अ वुमन। एक औरत लड़की पे आप इतना हार्श हो जाना तो वो ऑडियंस ही पसंद नहीं करेगी। आप एज अ वुमन पसंद करोगे कि कोई औरत को इतना, और वो भी जो 6 फुट का उसकी 50 इंच की छाती और वो पकड़ रहा है लड़की को, अरे हटाओ ये, तो वो उनको समझना चाहिए वो। तो आई थिंक वो सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, गाइस शुड टेक केयर। मैं होता तो नहीं करता, अब वो इज अ डिफरेंट पर्सन। वैसे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ साथ घर में एक और एंग्री बॉय हैं जो बात बात पर सिद्धार्थ की तरह गुस्सा हो जाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। वो कोई और नहीं, वो है आसिम, जो कि वीकेंड का वार में सलमान की डांट भी खा कर बैठे हुए हैं।
अब इनसे हो गई है गलती, इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी गाली वाली दे दी, जिस पर बिग बॉस की एक्स विनर और कंटेस्टेंट गौहर खान का क्या कहना है जरा सुनिए, और साथ में इस बार घर की महिलाओं के बारे में भी गौहर खान कुछ बोली। क्या बोल रही थी आप? आसिम, he was extremely wrong in bringing up Siddharth's father. जो गलत है वो गलत है, भले ही इतने हफ्तों का जो वेंट अप एंगर था वो आज निकला, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से निकला। किसी के भी फादर पे या फैमिली पे या अपनों पर बोलना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आसिम का पारा इवेंचुअली फटेगा। मुझे लग रहा था कि वो अपना संयम बना रख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एंड आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद हिम। पर मतलब जो लड़कियां चीखी हैं आसिम पे कि ए कैसे बोला तूने, बोला तूने, बोला तूने शुरुआत की, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यार इतने हफ्तों से गालियां कौन दे रहा था और शुरुआत कौन कर रहा था? नहीं नहीं नहीं, शुरुआत अच्छा चलो जस्टिफाइड है, वो जब दूसरे वाले इंसान गालियां दे रहे थे तो पोक आसिम कर रहा था, राइट? मतलब तूने पोक किया, इसलिए उसने गाली दी। अब जब इसने गाली दी तो तूने पहले दिया, मतलब मुझे इनका मॉरल कंपास समझ में ही नहीं आ रहा है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर डज देयर मोरालिटी लाई। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि लड़कियां ऐसे बिहेव कर रही हैं इस शो पे, जबकि उनको सही में सही और गलत में गलत बोलना चाहिए। बट एनीवे, इवेंचुअली विशाल की फैमिली पर भी गालियां हो गई, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई डजंट एनीवन हैव द करेज टू एक्चुअली टेल द पर्सन हु इज गोइंग ऑन अब्यूजिंग फ्रॉम डे वन ऑन एवरीवन्स फैमिली। So every season I don't really talk so much, but this season it's, I'm feeling like I don't know why I have to talk, I must talk, I feel compelled to talk. अच्छा वैसे बोलने में ना एक और कंटेस्टेंट हैं जो कि बहुत आगे हैं, घर में बोल के चिल्ला के उन्होंने अपना गला भी खराब कर लिया, लेकिन अफसोस वो अब घर के बाहर चली गई हैं। लेकिन जाते जाते एक राज खोल गई हैं, पता है आपको हम बताते हैं। शहनाज के लिए सिद्धार्थ शुक्ला लेकर आए हैं एक नई स्ट्रैटेजी, वो भी उनके खिलाफ। कौन सी है बग्गा, जरा बताइए। मैं कहीं नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती कि सिद्धार्थ और शहनाज के बीच लड़ाई हो। दोनों की दोस्ती अच्छी दिखती है, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि गेम के लिए सिद्धार्थ, क्योंकि वो समझ गए हैं कि शहनाज भी काफ़ी पॉपुलर हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि शहनाज और गेम में आगे ज़्यादा बढ़े। इस वजह से वो माहिरा को और पारस को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, शहनाज को थोड़ा झुकाने की कोशिश कर उनको बोल रहे हैं। अगर कोई सच्चा दोस्त है तो वो किसी को थोड़ा नीचा नहीं दिखाएगा, जेलस बोलना या बेदिमाग बोलना या फिर ये सारी चीज़ें, उनको गलत बताते रहना बार बार, तो आई थिंक वो सिद्धार्थ अब करने लगे हैं। वैसे एक और महाशय हैं जो बिग बॉस के घर से बड़े बेआबरू होकर निकले, उनका ये कहना था कि बहुत गलत समय पर मुझे निकाला जा रहा है। वो कोई और नहीं, वो हैं अरहान खान, रश्मि के बॉयफ्रेंड और सपोर्टर। तो जब वो घर से निकले तो सबसे पहले उनसे ये पूछना बहुत ज़रूरी था, ये अमृता धनोआ जो आपकी लिव इन गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, उनसे पैसे वैसे उधार लिए थे, उसका कुछ तो खुलासा कीजिए। देखिए एक सेकंड, देखिए अमृता कौन है मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं हर इंटरव्यूज़ में ये कह रहा हूँ, मैं पर्सनली इस अमृता को जानता नहीं हूँ, और जब मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, मेरे बारे में कोई भी आके कुछ भी बोलेगा तो आई डोंट थिंक सो कि वो सही है। और मैं इसका क्लैरिफिकेशन एक बार पहले भी दे चुका हूँ, मैं आज फिर से यही कहना चाहूँगा कि जिस इंसान को मैं जानता नहीं हूँ उस इंसान के बारे में मैं क्या बात हूँ। ये तो एकदम है अलग एंगल हो गया। अच्छा, ये शुक्ला और आसिम का हमेशा झगड़ा लड़ाई चलता रहता है, इसके बारे में कुछ बताओ। बकवास लड़ाई थी, बेहुदा लड़ाई थी, अगर आपने देखी हो तो। आप किसी को गाली दोगे कोई कैसे सुन लेगा? आप आसिम को बार बार टारगेट करोगे, आसिम को गाली गलौज करोगे, उसकी माँ बहनों पे जाओगे तो कोई नहीं सुनेगा। आसिम ही गया, उसकी जगह कोई भी यहाँ पे खड़ा हुआ इंसान होता तो कोई भी नहीं सुनता है। अच्छा वैसे रश्मि जो है वो हमेशा सिद्धार्थ के पीछे लगी रहती हैं, यही उनका गेम प्लान और एंगल है, इस पर आपकी टिप्पणी अरहान? कोई किसी को उस घर में टारगेट नहीं कर रहा, और स्पेशली रश्मि जो है, एक तरफ 9 लोग हैं, एक तरफ हम 3 लोग थे, अब 3 लोग मिलके 9 लोग को तो बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे थे, अगर आपने देखा हो। हाँ, वो 9 लोग मिलके 3 लोग को जरूर टारगेट किए जा रहे थे, क्योंकि झगड़े जो भी झगड़े हो रहे थे वो रश्मि आसिम अरहान ये ट्राइंगल में घूम रहे थे। क्यों
अच्छा, वैसे आपका जो लव एंगल था रश्मि के साथ में, जिसको आप लेकर गए थे घर में दूसरे बार भी, वो तो इतना हिट नहीं हो पाया, इसके बारे में क्या बोलिएगा? So, जो भी चीजें हुई, मुझे लगता है कि उन चीजों ने हमारे रिश्ते को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाया है और हम लोगों के बीच में प्यार और बढ़ा है और काफी चीजें अच्छी हुई है। ओ, चलिए भाई, खुश रहिए, सुखी रहिए, अपने मामलों को सुलटाइए, अपने कर्जों को निपटाइए और हाँ, रश्मि के खाली घर का ध्यान रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। और अब बारी है टेली अम्मा की, दिव्य दृष्टि के एंटीना ने क्या क्या कैच किया वो सब आपको बताने की, तो शुरू करें। पॉइंट नंबर वन, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि बिग बॉस के घर में झगड़े होने का मेन रीजन है सब एंग्री रहते हैं, और ये एंग्री नहीं हैंग्री रहते हैं, यानी कि भूख के मारे गुस्सा। अब आप इनका टाइम टेबल देख लीजिए, सुबह 8 बजे का अलार्म बजने पर ये सब नाचने लगते हैं उठते ही, उसके बाद फिर सो जाते हैं, फिर 12 बजे बनता है इनका नाश्ता दोपहर के, 6 बजे शाम के लंच बनता है और रात के 1 बजे डिनर। टाइम टेबल सुधार लो, घर में कलेश भी बंद हो जाएगा, एक बार ट्राई तो करके देखो। पॉइंट नंबर दो, लगेज रूम में देखा आपने कैसे रश्मि का मेकअप यूज कर रही थी सना, और इसके पहले भी उनके कपड़े लेने पर वो देवोलीना को बहुत गुस्सा कर चुकी हैं। इसके बावजूद जब कैप्टेंसी में सना को स्पेशल पावर मिला किसी भी एक पर्सन को नॉमिनेट करने का, तो उन्होंने रश्मि को ही नॉमिनेट किया। और हाँ, जब रात के 3 बजे रश्मि के बॉयफ्रेंड और एकमात्र सपोर्टर घर में यानी कि अरहान खान निष्कासित हुए, तो सना ने क्या किया, बग्गा को गले लगा कर बोला, यार अच्छा ही हो गया है तू बच गई, मुझे तो तेरी टेंशन थी। क्या सना, वाह सना। अरहान खान की असलियत रश्मि को बताने के लिए बारी बारी से सब आए, सलमान खान से लेकर देवोलीना, काम्या पंजाबी, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि कोई माहिरा के पास भी चले जाओ। अरे पारस की असलियत बताने के लिए कि बाहर जिसको वो छोड़ आए हैं वो उनकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ, आकांक्षा पुरी की बात कर रहे हैं। आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप अपने दिल की बातें दिल में ही रखते हैं, आपने लाइफ में स्ट्रगल देखी है, लोग आपको समझ नहीं पाते, आपका आने वाला साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अरे भाई, ये वो बातें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो रास्ते चलते किसी भी व्यक्ति को पकड़ के बोल दो आप उसके लिए ज्योतिषी बन जाओगे। इसके लिए यूएस से ज्योतिषी को बुलाकर ये सारी बातें बुलवाने की क्या जरूरत थी। और हमको तो घबराहट तब होने लगी जब इस ज्योतिषी ने बोला माहिरा शर्मा को कि आप सिंगर बन सकती हैं। अरे बाप रे, कान से खून निकलेगा सो अलग, लेकिन सारे कौए वेकेशन पे चले जाएंगे। ना जी ना, ऐसा कभी मत करना माहिरा, कभी सिंगर मत बनना, नहीं। देखिए दोस्तों, अब आ गया है क्विज का टाइम, जिसमें आप बहुत ही निपुण अथवा एक्सपर्ट हैं, इसीलिए हम आपको एक डिफिकल्ट सवाल पूछने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, आपको ये बताना पड़ेगा कि माँ बाप की गाली देना पहले किसने शुरू किया घर में, सिद्धार्थ शुक्ला ने कि असीम रियाज ने? जवाब पता हो तो फिर कमेंट सेगमेंट में लिखकर हमको भेज दीजिए, और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए, हार्ट भेजिए, वाव वगैरह भेजते रहिए, ठीक है? हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, हम ऐसे ही आपको क्विज पूछते रहेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ, अपना ख्याल रखना, अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। और हाँ, बिग बॉस ज़्यादा जोर से मत देखना, कभी भी एकदम अकस्मात कोई भी चिल्लाने लगता है कान खराब होने का डर है, ठीक है? बाय बाय ब्रो एंड सिस, टेली अम्मा लॉगिंग आउट।